नमस्कार, टारगेट विद आलोक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्रा। अपने इस खास बुलेटिन में हम बीते सप्ताह की उन बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे जो आपके परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए अपने इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न अम्फान तूफान ने 20 मई को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी तबाही की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि दमदम में देर शाम तक इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हवाओं की इस रफ्तार से ही इसकी तबाही के मंजर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार इससे तकरीबन 1,00,000 करोड़ की आर्थिक क्षति हुई है। आपको बता दें कि तूफानों के नामकरण की परंपरा के अनुसार इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार हाल ही में बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के वैज्ञानिकों ने मधुमेह में इंसुलिन के लिए इंजेक्शन देने के लिए सिल्क फाइब्रोन आधारित हाइड्रोसेल विकसित किया है। वैज्ञानिकों ने इसे फाइबोमोटोपेबल एडिटिव्स का उपयोग करके सूत्र फाइब्रोन के साथ एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया है जो मधुमेह के रोगियों में इंसुलिन वितरण को आसान बना सकता है। 15 मई को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4INLCU-L57 पोत को पोर्ट ब्लेयर से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अपनी श्रेणी का यह 7वां पोत है। यह जल और स्थल दोनों पर चलने में सक्षम है। इसे डिज़ाइन करने का मुख्य उद्देश्य बैटल टैंकों, बख्तरबंद वाहनों, सैन्य दस्तों और उपकरणों को तट तक ले जाने और तैनात करना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में स्थित इन पोतों को आपदा और राहत कार्यों के लिए तैनात किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस पोत को मैसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा इसे देश में ही डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। आम नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संदर्भ में भारतीय सेना के एक विचाराधीन प्रस्ताव में टूर ऑफ ड्यूटी की बात की गई। इस प्रस्ताव के तहत नागरिकों का सेना में शामिल होना स्वैच्छिक होगा। आपको बताते चलें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन भी इसी तरह की एक सर्विस है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करनी होती है, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में यह अवधि 3 वर्ष के लिए होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र का आयोजन 18 और 19 मई को जिनेवा में किया गया। इस वर्ष सभा में यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया सहित 62 अन्य देशों द्वारा कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर निष्पक्ष जांच के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। इन देशों ने मांग किया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ उन स्रोतों की जाँच करे कि कोविड-19 मनुष्यों के संपर्क में कैसे आया। भारत ने G20 सम्मेलन के दौरान मार्च में ही इन मुद्दों पर अपना रुख साफ कर इसकी जांच की आवश्यकता को बतलाया था। इस मुद्दे पर WHO को नाकाम बताया जा रहा है। संभवतः 2017 में एडनॉम को WHO का निदेशक बनाए जाने में चीन का बड़ा हाथ था। हाल ही में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोविड-19 से संभावित नुकसान के लिए अतिरिक्त प्रावधान हेतु निकासी की अनुमति मांगी है। वित्त उद्योग विकास परिषद ने बताया कि सामान्य तौर पर चूक की संभावना और चूक से हुए नुकसान के अनुसार गणना किए गए प्रावधानों के अधिक होने के कारण NBFC को RBI से अतिरिक्त अपेक्षित क्रेडिट घाटे की आवश्यकता को समायोजित करने की अनुमति देने के लिए निवेदन किया है। अपेक्षित क्रेडिट डाटा वित्तीय साधन के अपेक्षित समय पर क्रेडिट घाटे की संभावना भारित अनुमान को दर्शाता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां एक प्रकार की वित्तीय कंपनियां होती हैं जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इनका नियमन बैंकिंग रेगुलेशन के तहत किया जाता है, परंतु इनकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। NBFC ऋण, साख, बचत और निवेश उत्पाद के साथ धन हस्तांतरण सेवाएं देते हैं, लेकिन बैंकों की तरह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं करते और देश के भुगतान और निपटान का हिस्सा न होने के कारण ग्राहकों को चेक नहीं प्रदान कर सकते।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी के न्याय योजना के रूप में देखा जा रहा है। इस योजना के तहत खरीफ की फसलों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में दी जाएगी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 5100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। 19 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए भारत को चयनित किया गया। भारत के साथ साथ बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, कोरिया गणराज्य, रूस और यूके भी WHO की कार्यकारी बैठक में चयनित किए गए। जिनेवा और दिल्ली के राजनयिकों ने जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य सभा सम्मेलन के बाद होने वाली कार्यकारी बोर्ड की पहली बैठक में सभी चयनित देश अपना पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि यह कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभावी बनाकर इसके कार्यों को सुविधाजनक बनाता है। WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई सदस्यों ने सर्वसम्मति से विगत वर्ष कार्यकारी बोर्ड में भारत के 3 साल के कार्यकाल को सहमति जताई थी। भारत अब इंडोनेशिया के स्थान पर कार्यक्रम बजट और प्रशासन समिति का सदस्य भी होगा। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्वायत्त निकाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा चैलेंज COVID-19 नाम की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह अभियान 31 मार्च से 10 मई के बीच आयोजित किया गया। इसके तहत तेलंगाना के मुप्पा राजू ने सड़कों, दीवारों और ऊंचे स्थानों को सैनिटाइज करने के लिए एक विशेष उपकरण डिजाइन किया। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास में संग्रहालयों की भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का विषय समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेश है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का आयोजन 1977 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या नालसा की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के मद्देनज़र लॉकडाउन के दौरान जेल में कैदियों को कम करने के लिए विचाराधीन कैदियों को रिहा किया गया। इस दौरान सर्वाधिक 9,977 कैदी उत्तर प्रदेश से रिहा किए गए। आपको बता दें कि यह रिहाई उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के सुझाव के बाद किया गया। 1897 में गठित नालसा का संरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश और कार्यकारी अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A, 14 और 22A को आधार बनाकर इसकी व्यवस्था की गई। पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश वेबिनार के तहत उत्तराखंड एक स्वर्ग शीर्षक से 20वें वेबिनार का आयोजन 16 मई 2020 को किया गया। इसमें उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित केदारखंड और कुमायूं क्षेत्र में स्थित मनुखंड में पर्यटन की संभावनाओं को उजागर किया गया। इसके अलावा फूलों की घाटी, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी टाइगर रिजर्व, नंदा देवी जैसे तमाम पर्यटन क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित कराया गया। आपको बता दें कि COVID-19 महामारी के मद्देनज़र होने वाले लॉकडाउन से पर्यटन क्षेत्र काफ़ी प्रभावित हुआ है। इस वेबिनार की शुरुआत 14 अप्रैल 2020 से भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग की मदद से किया गया। इस वेबिनार की अगली श्रृंखला फोटो वॉकिंग भोपाल को बनाई गई। हाल ही में चीनी साहित्यकार फोंग फांग की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीड सिटी को प्रकाशित किया गया। इंटरनेट पर उपलब्ध इस किताब में चीन के वुहान में COVID-19 के फैलने के दौरान वहां के हालात को एक प्रत्यक्षदर्शी की तरह बयां करने वाली ई किताब अब भारत में उपलब्ध है। माइकल बेरी ने इस पुस्तक का अनुवाद किया और हार्पर कॉलिंस ने इसे प्रकाशित किया। IIT दिल्ली और जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक संयुक्त शोध में पाया कि अश्वगंधा और प्रोपोलिस, जो मधुमक्खियों द्वारा अपने छत्ते को रोधक बनाने में उपयोग किया जाने वाला सलाइवा है, इसमें कोरोना वायरस के लिए प्रभावी दवा बनाने की क्षमता है।
अध्ययन में सामने आया कि अश्वगंधा के केमिकल कंपाउंड कैफिक एसिड फेनेथाइल ईस्टर में सार्स सीओवी टू एमप्रो की मानव शरीर में चल रही गतिविधि को रोकने की क्षमता है। प्रतिवर्ष 21 मई को संपूर्ण भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस यानी एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है। इसका आयोजन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के पुण्य स्मृति में किया जाता है। श्री गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वर्ष 1984 में अपनी मां और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाला और श्री गांधी मात्र 40 वर्ष की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। 21 मई 1991 को चेन्नई में एक रैली के दौरान अलगाववादी संगठन लिट्टे की महिला सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद के विरुद्ध जागरूक करना है। प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्वभर में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस या वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय अपना ब्लड प्रेशर मापिए, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें या मेजर योर ब्लड प्रेशर कंट्रोल इट लीव लॉन्गर है। मनुष्य का सामान्य रक्त दबाव 80 और 120 होता है। यह रक्त दबाव सामान्य से अधिक होने पर धमनियों की दीवारों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहा जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2017 में संपूर्ण भारत में 22.5 मिलियन लोगों में हर 8 में से एक भारतीय उच्च रक्तचाप का मरीज है। भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के कचरा व अपशिष्ट मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग जारी किया। 5-स्टार रेटिंग वाले 6 शहरों में अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई शामिल हैं। पहले चरण में शहरों या निकायों द्वारा जरूरी दस्तावेज को सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया। दूसरे चरण में किसी और सरकारी एजेंसी द्वारा दस्तावेजों को सत्यापित कराया गया। वहीं तीसरे चरण में एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक खुद क्षेत्र में जाकर सत्यापित करता है। दस्तावेज सही है या गलत, इस बात की जानकारी करना उस पर्यवेक्षक का दायित्व होता है। गौरतलब है कि जनवरी 2018 में शहरों को अपशिष्ट मुक्त करने और शहरों को स्वच्छता के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल को लॉन्च किया गया था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर कार्मेन रेनहार्ड को विश्व बैंक की नई उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया। प्रोफेसर कार्मेन 15 जून को अपना पदभार ग्रहण करेंगी। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मेलपास ने इसकी घोषणा 20 मई को किया। वित्तीय संकटों पर इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री केनेथ रोगोफ के साथ मिलकर दिस टाइम एट डिफरेंट एट सेंचुरीज ऑफ फाइनेंशियल फोली नाम की पुस्तक लिखा। इनकी यह पुस्तक काफ़ी प्रचलित रही। हाल ही में बच्चों के उपचार के लिए एक नई तकनीक लीसा की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत राजस्थान के जेके लोन गवर्नमेंट चिल्ड्रेन हॉस्पिटल द्वारा किया गया। लीसा का उपयोग समय से पहले बच्चों में फेफड़ों की बीमारी के उपचार के लिए किया जाएगा। कोविड-19 वायरस वैक्सीन के ऊपर इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के लैब में ट्रायल चल रही है। माना जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे महंगी और ज़्यादा डॉक्टरों वाली टीम है। इस टीम ने महज 1 महीने के अंदर दावा किया है कि चूहों की प्रजाति गिनी पिग पर ट्रायल के बाद जब लैब में बन रही वैक्सीन का ट्रायल बंदरों पर किया गया तो नतीजे काफ़ी सकारात्मक रहे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बंदरों को सबसे पहले लैब में बन रही वैक्सीन दिया गया, इसके बाद बंदरों के अंदर कोरोना वायरस छोड़ा गया। इस पूरे प्रक्रिया में पाया गया कि बंदरों ने खुद ही एंटीबॉडी विकसित कर लिया, जिससे संक्रमण फैलने के बजाय अंदर ही समाप्त हो गया। यह दावा कई चरणों को पार कर चुकी है। इसका ट्रायल इंसानों पर किया जा रहा है। नेपाल की कैबिनेट ने नए राजनीतिक नक्शे को मंजूरी दे दी है। इस नक्शे में कालापानी और लिपुलेक के साथ लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया। लिपुलेख दर्रा नेपाल और भारत के बीच विवादित सीमा है, जो कालापानी के पश्चिम में है।
कालापानी उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले का एक हिस्सा है, जबकि नेपाल का दावा है कि 1816 में हुई नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सुगौली संधि के अनुसार कालापानी उसका हिस्सा है और यह दारचूला जिले में आता है। हाल ही में G20 देशों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस मीटिंग का मकसद COVID-19 के संदर्भ में तत्काल और ठोस कार्यवाही कर दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना था। भारत की ओर से इस बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भाग लिया। प्रत्येक वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 16 मई 2018 को प्रमुख भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडोर मेमन के द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन के उपलब्ध में किया गया। इसका पूरा नाम लाइट एम्प्लीफाइड बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए $2 मिलियन की आर्थिक सहायता का योगदान किया है। इन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने भारत के इस सहयोग की सराहना की है। शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी का यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए दिया है। 1 जून 1946 से 15 जून 1948 तक फिलिस्तीन में निवास करने वाले और 1948 के संघर्ष के दौरान अपना घर और आजीविका खोने वाले व्यक्तियों को UNRWA शरणार्थी मानता है और सहायता करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.40% की कटौती कर दिया है, जिससे कि नवीनतम रेपो रेट 4% पर आ गया। RBI ने रिवर्स रेपो रेट को भी 0.40 घटाकर 3.35% कर दिया है। साथ ही RBI ने लोन चुकाने की अवधि में भी 3 महीने की राहत दी है। दूसरी बैठक में कोरोना से बने हालात को देखते हुए रेपो रेट 4.40% से घटाकर 4% कर दिया गया। दूसरी बार है जब RBI ने रेपो रेट को कम किया है। इससे पहले 27 मार्च को RBI गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया है। RBI के गवर्नर ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में 6 में से 5 सदस्यों ने रेपो रेट की कटौती के पक्ष में मतदान किया, जबकि 1 सदस्य ने विरोध में मतदान किया। आपको बता दें कि जब बैंक RBI से कर्ज लेते हैं तो बैंक लिए गए कर्ज पर जिस दर से ब्याज RBI को देते हैं उस ब्याज दर को रेपो रेट कहा जाता है, जबकि बैंक जो रकम RBI के पास रखते हैं उस पर मिलने वाले ब्याज दर को रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। 2020 में विश्व दूर संचार दिवस का मुख्य विषय डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कोरोना वायरस को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 का कम्युनिकेशन एजेंडा है। पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश वेबिनार के 21वें सत्र का आयोजन 21 मई 2020 को किया गया। इस सत्र में भोपाल की परंपरा, संस्कृति और पर्यटन पर चर्चा की गई। भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षकों में सांची, विदिशा, खजुराहो, मांडू, भीमबेटका, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंदेरी और कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पर्यटन मंत्रालय की अपर महानिदेशक सुश्री रुपिंदर बरार ने इस सत्र का संचालन किया और इंडिया सिटी वॉक की सौमी रॉय और श्री हिमांशु राणा ने प्रस्तुत किया। भोपाल के ऐतिहासिक तथ्यों, वास्तुकला, कवि इकबाल की साहित्यिक दुनिया और रानी कमलापति से लेकर शाहजहां बेगम जैसी महिलाओं की कहानियों का जिक्र किया गया। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से प्रस्तुत किया गया। प्रकृति एवं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में बायोडाइवर्सिटी के महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। आपको बताते चलें कि किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधों को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। बायोडाइवर्सिटी में किसी
प्राकृतिक आपदा का खतरा बढ़ा होता है। इसके अलावा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने में भी जैव विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी का उद्देश्य बायोडायवर्सिटी में समृद्ध टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों को अवसर प्रदान करना है। प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करना एक चुनौती है, क्योंकि प्राकृतिक आवासों का विनाश जैव विविधता के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार कोविड 19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इसके लिए 100 शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान नए ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जबकि 12 DTH चैनल छात्रों को घर पर ही वीडियो उपलब्ध कराएंगे। इसके तहत कक्षा 12 तक के प्रत्येक वर्ग के छात्रों के लिए एक चैनल उपलब्ध होगा। प्रत्येक चैनल प्रतिदिन 6 घंटे की पाठ्यक्रम सामग्री उपलब्ध कराएंगे, जो सप्ताह के 7 दिन प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत दृष्टि और श्रवण बाधित छात्रों के लिए विशेष ई सामग्री भी दी जाएगी। 16 मई 2020 को सिक्किम का 45वां स्थापना दिवस मनाया गया। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को अर्धराज्य और 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगस्ता मेडिकल कॉलेज ने माइक्रो आरएनए पर एक शोध किया। माइक्रो आरएनए जीन एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। माइक्रो आरएनए पौधों, जानवरों, कुछ विषाणुओं में पाया जाने वाला एक छोटा नॉन कोडिंग आरएनए अणु है, जिसकी लंबाई 22 न्यूक्लियोटाइड होती है। संपूर्ण विश्व में 20 मई 2020 को विश्व माप विज्ञान दिवस या वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया। इसका मुख्य विषय वैश्विक व्यापार के लिए माप या मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य डेंगू के विषय में जागरूकता फैलाना है। विश्व के कई देशों में सोशल डिस्टेंसिंग की मानक दूरी 6 फीट है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस महामारी का हवा में प्रसार ज़्यादा होता है। कोरोना वायरस के ड्रॉपलेट्स 18 फीट तक हवा में तैर सकते हैं। इंसान के लार या सलाइवा के कण 18 फीट दूर खड़े व्यक्ति को संक्रमित करने में सक्षम हैं। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट 19 मई से लागू हो गया। प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र यानी PRC की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, सफाई कर्मचारी और दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार होंगे। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा किया है कि 50 करोड़ अधिक के कारोबार करने वाली कंपनियों को केवल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस लेने देने में शामिल होने पर रुपे कार्ड, भीम, UPI जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल भुगतान स्वीकार करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना को 3 वर्ष के लिए यानी मार्च 2023 के अवधि के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में किया गया था। यह योजना सीनियर सिटीजन के लिए उपलब्ध पेंशन स्कीम है, जिसमें मासिक पेंशन का विकल्प चुनने पर वरिष्ठ नागरिकों को इस स्कीम के तहत 10 साल तक एक तय गारंटी शुदा पेंशन मिलता है। साथ ही यह स्कीम डेथ बेनिफिट की भी पेशकश करती है। इसका लाभ 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को मिलती है, जिसमें अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है। हालांकि इस योजना ने पिछली बार 8% रिटर्न का आश्वासन दिया था, लेकिन इस बार यह दर 7.4% होगी। समय के अनुरूप ब्याज दर को हर वर्ष संशोधित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। हमारा ये खास बुलेटिन आज का ये आपको कैसा लगा, आपके सकारात्मक कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।